दमोह की कांग्रेसी नेत्री समाज सेवी शालिनी सिंह का जन्मदिन बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर उनके शुभचिंतकों ने गिफ्ट देकर मुबारकबाद दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर शासकीय अधिवक्ता अनुनय श्रीवास्तव ने कहा कि शालिनी सिंह जिंदा दिली से जिंदगी को जीने वाली महिला है। शुभचिंतकों के प्यार देखकर खुश शालिनी सिंह ने कहा कि ये सब हमारे नगर के लोगों का प्यार है, स्नेह है, ईश्वर से दुआ है। इसी तरह हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सभी का आभार माना। भारतीय न्यूज के लिए इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। शालिनी जी जो हमारे कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और उससे ज्यादा हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं, आज मैं हमारे परिवार के सभी सदस्यगण उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आए। मैं समझता हूँ कि शालिनी अपने आप में एक महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। अपनी जिंदगी की हर लड़ाई वो खुद लड़ती हैं और जीवन के हर पहलू को जिस हरफन मौला अंदाज में जीती हैं, तो कहीं ना कहीं आज उनके जन्मदिन पर हमने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि उनकी इस जिंदगी जीने के अंदाज को यूं ही बरकरार रखें ऊपर वाला, और वो निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और आगे जाकर शतायु हों, यही हमारी उनकी जन्मदिन पर शुभकामनाएं। ये सभी लोगों का प्यार है मेरी तरफ। मैंने तो किसी को नहीं बताया था कि मेरा जन्म दिवस है। अचानक रात के 12 बजे मुझे ज्ञात हुआ कि लोग सारे मेरे चाहने वाले, मेरे जो बच्चे कह लो, भाई कह लो, दोस्त कह लो, जिस रिश्ते में कहूँ, सब ने मुझे विश किया, पोस्ट डाली, तब लगा कि आज जन्मदिन है मेरा। तो सब प्यार है और कुछ नहीं। कैसा लगता है जब अचानक तमाम लोग आपके दोस्त अहबाब पहुँचते हैं? हाँ, ये अमूमन मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं सेलिब्रेट क्या करना, अब उम्र का आधा पड़ाव तो निकल ही गया टाइम्स। 40 के जब अब हो जाते हैं, आप 40 उम्र क्रॉस हो जाती है, तो जन्मदिन मनाने का वैसे मन नहीं रह जाता। तो अच्छा लगता है कि लोग मिलने आते हैं, इस बहाने मिलना होता है और प्यार मिलता है सभी का। ढेर सारी खुशियाँ मिली बहुत, मतलब जिनसे सोचा नहीं था वो लोग आए आज।